यो आकाशवाणी जम्मू है अनवर चौधरी ते खबर सुनो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पिछला 6 बरस पूरी दुनिया के अंदर कुछ बड़ा फ्लाई प्रोग्राम शुरू किया है। श्री रामचंद्र मिशन का 75 बरस पूरा होने का मौका और वजीर आजम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजशत रोज खिताब कर रहा था। जनाब मोदी ने कहा कि भारत पूरी दुनिया की भलाई बेहतरी वास्ते एक इंसानी जज्बा नाल काम कर रहा है। उन्हें क्यों कि कोविड-19 की वैक्सीन का सिलसिला में भारत पूरी दुनिया में अहम किरदार अदा कर रहा है और भारत ने फख्र है कि वो पूरी दुनिया में अपनी पैदा करदा वैक्सीन सप्लाई कर रही है। उन्हें क्यों कि भारत ने सेहत का सिलसिला में भी पूरी दुनिया और सबकत हासिल कर ली है। उन्हें मजीद क्यों कि भारत की तरफों आयुष्मान भारत स्कीम तो फायदो हासिल करने वाला की गिनती अमरीका और कई यूरोपियन ममालिक की कुल आबादी तो भी ज्यादा है। मुल्क के अंदर महकमा सेहत नाल जुड़िया और अगली सफा में काम करने वाला 88,05,000 लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। इन लोगों में 8,29,745 लोग सेहत शोभा नाल जुड़े हुए हैं। 2,16,339 लोगों ने दूजी खुराक भी ले ली है। 25,11,257 दीगर वर्करा ने भी इस वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। गुजशत रोज 1,34,691 लोगों ने वैक्सीन की खुराक दी गई जिनमें 78,643 लोगों ने पहली मरतबा यह वैक्सीन दी गई है जबकि 58,048 तिबी अमला का लोगों ने दूजी खुराक दी गई है। यूरोप और अफ्रीका तो करीबन 20 बैरूनी सफारतकार अपना दो रोजा दौरा पर जम्मू कश्मीर आया है। आकाशवाणी का तर्जमान ने खबर दी है कि ये सफारतकार आज 17 फरवरी ना वादी कश्मीर और 18 फरवरी ना जम्मू को दौरा लाएगा और दफा 370 और 35A की मनसूखी तो बाद इतका हालात को जायजा लेगा। वादी कश्मीर में ये सफारतकार कई मुकाम को दौरा ला के हालात को जायजा लेगा। तरक्याती कम्मा के अलावा दीगर कई मामलात बारे ये सफारतकार जानकारी हासिल करेगा। वाजर है कि पिछला 1 साल के अंदर अंदर बैरूनी सफारतकार को जम्मू कश्मीर को 30 दौरों है। जम्मू कश्मीर में महकमा बिजली ने तमाम तर लकड़ी का खंपा और कंडीली तारा ना हटान को फैसलो किया है। इसकी खातर महकमा की तरफ 500 करोड़ रुपया कंडी रखे गए हैं। इस बारे में महकमा का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कांसल ने एक मीटिंग के दौरान जानकारी दी थी जेडी का आइंदा मौसम गर्मा के दौरान की जा रही तैयारियों की खातर तलब की गई थी। उन्हें क्यों कि निक्का मुलाजमा की जानी हिफाजत मारी अफलियत होनी चाहिए। उन्हें क्यों कि उनको महकमो मैदान में काम करने वाला तमाम मुलाजमा का जिंदगी बीमा ना यकीनी बनावे को। उन्हें अफसर ने हदायत जारी की कि तमाम ट्रांसफार्मर की फौरी तौर पर मरम्मत कराई जाए और जित भी जरूरत है उस नवा ट्रांसफार्मर नष्ट किए जाए और लोगों का मुलाजमा का जनमाल को तहफ्फुज किए जाए। हुनर तरक्याती महकमा का प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून ने बैलकवामी सतह पर हुनरमंदन रोजगार की खातर तैयार करने पर जोर पाए हुए। जनाब सामून ने क्यों कि मारा मुकामी नौजवान हुनरमंदन जर्मनी नीदरलैंड बरतानिया स्वीडन ते स्विट्जरलैंड जैसे ममालक में हुनरमंदी की बुनियाद पर मुख्तलिफ शोबा में रोजगार मिल सके। उन्हें क्यों कि महकमा सेहत इंजीनियरिंग और दीगर शोबा में कई किस्म की तकनीकी मुलाजमत मारा नौजवान ना हुनरमंदी हासिल करके बसानी मिल सके। जनाब सामून ने एक मीटिंग में खिताब करता मां सीनियर अफसर ना दस्यो के हमना नवा शोबा जिस तरह से जरात बागवानी बड़ी गड्डियों की ड्राइविंग बिजली और दीगर शोबा में तरबियत दे के नौजवान ना हुनरमंदी सिखा के बैरूनी मुल्क में रोजगार हासिल करने की खातर रागब करना चाहिए ताकि वे अपनी इक्तसादी जिंदगी न बेहतर बना सकें। लेफ्टिनेंट गवर्नर का सलाहकार फारूक खान नाल गुज़श्ता रोज कई वफद मुलाकी हुआ और उन्हें अपनी अपनी मुश्किलात उनके बांध रखी। इन वफ्तमा रबरे खेल इंडियन ऑयल कारपोरेशन मरबूत बच्चा तरक्याती स्कीम का सुपरवाइजर का वफ्ता के अलावा कई दीगर वफूद भी शामिल था। जनाब फारूक खान ने तमाम तर वफ्ता की कलबात बड़ा ध्यान और सब्र तहम्बुल नाल सुनी और यकीन दहानी करवाई कि उनकी मांगा और शिकायतों को जल्दी अजालो किए जाएगो। इस कनाली खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।